इस समय की सबसे बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां बिहार पुलिस परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कदाचार करते 3 छात्र सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ एक कार और बाइक भी बरामद किया है। सदर DSP राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। दरअसल आज मुंगेर में कुल 14 परीक्षा केंद्र पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर सभी केंद्रों पर 3 लेयर की जांच करने के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा था। वहीं इतनी कड़ी जांच व्यवस्था होने के बावजूद भी परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर केंद्रों में प्रवेश करने में सफल रहे। वहीं सभी केंद्रों पर बड़ी अधिकारी ने औसत निरीक्षण में मॉडल उच्च विद्यालय, जिला स्कूल और उपेंद्र ट्रेनिंग एकेडमी से एक एक छात्र को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चोरी करते पकड़ा गया। वहीं पकड़ाए अभ्यर्थियों से जब पुलिस अधिकारी ने पूछताछ किया तो उनकी निशानदेही पर 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जो केंद्र के बाहर वॉकी टॉकी के जरिए नकल करवा रहे थे। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए सदर DSP राजेश कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान 3 छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया। मुंगेर में कुल 14 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसे स्वच्छ और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी लगे हुए थे। वहीं दोनों 3 अलग अलग केंद्रों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करते पकड़ा गया है। वहीं पूछताछ में अभ्यर्थियों ने जानकारी दी, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर और अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 3 पीस वॉकी टॉकी, 2 वॉकी टॉकी चार्जर, 5 मोबाइल, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार लोगों के विरुद्ध कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर अनुसंधान एवं पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार सभी लोग मुंगेर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें मुख्य मनीष कुमार और अमित कुमार है, जो असरगंज थाना क्षेत्र के बेजलपुर गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा अतुल आनंद, गिरिराज कुमार, मनीष कुमार, रोहित कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार कर आगे की छानबीन की जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही थी 1/10/2023 को, जो 2 पालियों में थी। 24 सेंटर में हमारे मुंगेर जिला अंतर्गत विभिन्न स्कूल्स में सेंटर था। उसी में कदाचार मुक्त करवाने के लिए हमारे जितने पुलिस पदाधिकारी थे और मजिस्ट्रेट नियुक्त थे और जोनल दंडाधिकारी मुक्त थे, वहाँ पे नियुक्त थे, प्रेसकिंग किया और उसी प्रेसकिंग के क्रम में विभिन्न सेंटरों से हमें ये मिला है, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली है। उसमें कुल पकड़ाए हुए व्यक्ति 7 हैं, जिसमें से जो 3 आदमी जो परीक्षार्थी थे उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली है जो ब्लूटूथ है, और उनको सहयोग करने के लिए परीक्षा सेंटर से बाहर 1 स्कॉर्पियो गाड़ी में 2 आदमी मिले थे, उनके पास वॉकी टॉकी, कहीं पे बाइक, उनके पास भी वॉकी टॉकी है। तो कुल मिला के वॉकी टॉकी 3 पीसेस, चार्जर 2 पीसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेट 4 पीसेस, मोबाइल 5 पीसेस, वाहन 1 स्कॉर्पियो एंड 1 मोटरसाइकिल है, और टोटल गिरफ्तारी हुई है 7, जिसमें से जो मेन अभियुक्त हैं वो अमित हैं, मनीष हैं, और ये डिफरेंट हैं। जैसे कि अमित जो है वो बैजलपुर असरगंज के हैं। इन लोगों को पता, हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और इसमें और जो लोग संलिप्त हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं, कांड भी अनुसंधान अंतर्गत ये गिरफ्तार किया गया है उनको। हाँ, तो जो गिरफ्तार किया गया है, जो न्याय विधि सम्मत करवाई है, सुसंगत धाराओं में केस हुई है, और उनको हम लोग विथ एविडेंस ये हैं, उनको हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, कोई आने के बदले हैं, कोई हैं जो आप देखिए, ये लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इनका डिज़ाइन ये था कि हम अंदर जाएंगे, बैठेंगे और बाहर से हमको सपोर्ट करेगा, है ना, ये था। इम्पर्सोनेशन का कोई नहीं है कि दूसरे के बदले दूसरे नहीं बैठे हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था और इनका, इनके निशानदेही पे जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो बाहर हमें वॉकी टॉकी के साथ आदमी मिले हैं इनके ग्रुप के, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे एग्जामिनेशन।